أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم हेलो اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी जिंदगी बेबल का लाइव पेज से प्रोग्राम गुलदस्ता है हम दोनों देखा जा रहा है उन तमाम नाजरीन की खिदमत में और जितनी भी समातें इस वक्त मुझे समात कर रही हैं उनकी भी खिदमत में शहजाद कुरैशी का सलाम। इब्तदा उसी परवरदिगार आलम के नाम से जो खालिक कुल्ले कायनात है, जो मालिक अर्ज व समा है, वही मालिक वही परवरदिगार आलम जो रात की तारीकी को दिन के उजाले में तब्दील करता है। हमारे आज के प्रोग्राम में हमें तीन सनाख्वान ने ज्वाइन किया हुआ है। मैं सबसे पहले उनका आपसे तारफ कराता चलता हूँ। मेरे पहले सनाख्वान जो किसी भी तारफ के मोहताज नहीं, हमारे पेज पे पहले भी आ चुके हैं, पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन स्टेशन से पढ़ा हुआ है उन्होंने, पाकिस्तान टेलीविजन, पाकिस्तान टेलीविजन वर्ड्स, ATV, ETV होम और बहुत ज़्यादा महफिल में पढ़ा है। मैं उनको अपने पेज के ऊपर अपने प्रोग्राम में उनको वेलकम कहता हूँ, जनाब मोहम्मद शफीक कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, इनके साथ हमारे दो और सनाख्वान ने भी ज्वाइन किया हुआ है, जनाब इनका भी तारफ कराता चलूँ। इनका तलक बेवल से है, जनाब मोहतरम मोहम्मद बिलाल हाशमी या मोहम्मद कमाल हाशमी साहब, दोनों भाई ये मिलकर भी पढ़ते हैं वहाँ पे लोकल महफिल के ऊपर भी और जगह पर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा हुआ, बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक। आज हमें कुछ स्पेशल जो है प्रोग्राम भी में भी कोई नात पढ़ेंगे तो हमने उनसे भी ये भी नात सुनते, हम इनको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का बकायदा आगाज उसी परवरदिगार आलम के नाम से, मैं मोहतरम मोहम्मद शफीक कादरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वह आज के प्रोग्राम का आगाज करें और हमें इस प्रोग्राम का बकायदा जो है सैफ अल मुलूक से जो है हमें कहेंगे कि वो आगाज करें। जी मोहम्मद शफीक कादरी साहब, मोहम्मद शफीक कादरी साहब से जो है कुछ टेक्निकल वजूहत के बिना पे हमसे रब्ता नहीं हो सका, लेकिन थोड़ी देर में हमें दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। मैं मोहम्मद कमाल हाशमी और मोहम्मद बिलाल हाशमी साहब से गुजारिश करूंगा कि चलें वो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। जनाब मोहतरम मोहम्मद बिलाल हाशमी साहब, जी जनाब बिस्मिल्लाह करें। जी कोई भी कलाम साहब, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आपकी रहमतों का दरिया सरे आम चल रहा है, आपकी रहमतों का दरिया सरे चल रहा है, हम भीख मिल रही है आका, हम भीख मिल रही है, अपना काम चल रहा है, आपकी रहमतों का दरिया सरे आम चल रहा है, सरे अर्श ना
आपकी सरे अर्श नाम आपका सरे हर्ष बात आपकी कहीं बात चल रही है माशाल्लाह जी माशाल्लाह कहीं नाम चल रहा है आपकी रहमतों कदरिया सरेआम चल रहा सुबहान अल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब बिलाल साहब बहुत खूबसूरत। हमें दोबारा जो है ज्वाइन कर लिया है मोहम्मद शफीक कादरी साहब ने भी, तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी थोड़ा सा जो है कलाम साथ दें ताकि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज जो है हम आगे चलते चले। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया। मैं अरफाना कलाम से इब्तदा करता हूँ, मियां मोहम्मद बख्श सरकार का कलाम है, तो मैं उससे आगाज करता हूँ महफिल का। उड़ जाने सब रंग रंग गए उड़ जाने सब रंग रंगीले बस नाम अल्लाह दरे दम दम नाल मोहम्मद बख्शा असा अल्लाह अल्लाह कहना दम दम नाल मोहम्मद बख्शा असा अल्लाह अल्लाह कहना अदल करे शान वाले मौला फजल करे ते बख्शे जावर मैं वर्गे मौका ले मौला फजल करे ते बख्शे जावे मैं वर्गे मौका हिको तेरी ओट खुदाया ते होर नहीं कुछ सुजदा इस दीवे नू आपे पाले ओ कद किसे थी बुझदा मौला जिस दीवे नू आपे पाले ओ कद किसे थी बुझदा मिट्टी दा तू मिट्टी होना मिट्टी दा तू मिट्टी होना कादी बल्ले बल
अज मिट्टी दे उत्ते बंदे आ, ओ कल मिट्टी दे वाह थल्ले, हाय अज मिट्टी दे उत्ते बंदे आ, ओ कल मिट्टी दे थल्ले, दम वगदा तेरा जे हिक कतरा बख्शे मैनो वो कम बन जांदा मेरा, जे हिक कतरा बख्शे मैनो वो कम बन जांदा मेरा। और ए दुनिया एक मुसाफिर खाना, एक आवे एक अच्छा जावे, केदी मजाल मोहम्मद बख्शा, एथे पक्के डेरे लावे, लख समाणी ला प्रीत अजय मोहम्मद इस जग विच रे कहानी, ला प्रीत अजय मोहम्मद इस जग विच रे कहानी, और कख सवाद ना मिश्री अंदर, असा खंडा भी चख डिठिया सारिया है ना चीजा नालों, ओ गल्लां दियां मिठियां, आए सारिया है ना चीजा नालों, गल्लां दियां मिठियां। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज, बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा शफी कादरी साहब। हम दोबारा चलते हैं जनाब मोहम्मद कमाल आशमी साहब की तरफ, मोहम्मद बिलाल आशमी साहब की तरफ। मोहम्मद बिलाल आशमी साहब, कमाल आशमी साहब, सुना है कि आप दोनों जब भाई पढ़ते हैं तो एक इसका अलग ही रंग होता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों जो है मिलकर कोई कलाम सुनाए मुझे। कुछ टेक्निकल वजूहात जो होती हैं, ये जो हमारा सिस्टम होता है लाइव का, इसमें कुछ जो डिफिकल्टीज होती हैं वो आ जाती हैं। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, देखता हूँ जी कि वो दोबारा आ जाते हैं। मोहम्मद शफी कादरी साहब, आप कोई अपना छोटा सा कलाम कोई आगे सुनाएं, ताकि हम प्रोग्राम को जब तक वो मोहम्मद शफी का मोहम्मद कमाल साहब और बिलाल साहब हमारे साथ आते हैं उस वक्त तक कुछ छोटा सा कलाम सुनाएं, फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जो हमारा सिलसिला चल रहा है। जी बिस्मिल्लाह।
इसके साथ साथ हमारे साथ जो नाजरीन यहाँ पे हमें उन्होंने लाइव ज्वाइन किया और हमें बहुत ज्यादा कमेंट्स भी आ गए, बहुत शुक्रिया नाजरीन हमारी जो फीडबैक आप दे रहे हैं फेसबुक के जरिए। इसके साथ साथ आप हमारा यही प्रोग्राम जो है उसके बाद यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चौधरी मोहम्मद मुजम्मल हुसैन साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं जी। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं देख रहे हैं। निक्की निक्की जो है वो देख रहे हैं जनाब, निकश निक्की जो है वो देख रहे हैं, माशाल्लाह उन्होंने कहा जी प्रोग्राम को पसंद है। जिंदगी बेवल जो हमारी टीम है जी, ये बिल्कुल टीम वर्क होता है, उन्होंने हमारे प्रोग्राम को देख रही है, बहुत शुक्रिया जनाब। इसके अलावा राना नदीम साहब ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया राना साहब आपने हमारे प्रोग्राम की तारीफ की है। और राना नदीम साहब की फरमाइश है कि आशमी बरादान से ये कहें कि वो दफ के साथ भी नात पढ़ें, इंशाल्लाह वो भी हम जो है उनसे सुनेंगे। इसके साथ साथ हमारे दोस्त हैं यासीन भट्टी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया जी, उन्होंने माशाल्लाह कहा है, शफी कादरी साहब की आवाज़ को पसंद किया है। इमरान अली भट्ट साहब प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपने प्रोग्राम देख रहे हैं हमें और हमारे दुआएं भी दी। शफीक आदि साहब की आवाज़ की जो है उन्होंने तारीफ की है, कह रहे हैं बहुत खूबसूरत आवाज़ में आप नात पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ हमें बहुत और से भी दोस्तों ने ज्वाइन किया हुआ है, हम उनके कमेंट्स जो है साथ साथ पढ़ते रहेंगे। दोबारा चलते हैं हम मोहतरम कमाल हाशमी साहब की तरफ। कमाल हाशमी साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आपकी आवाज आ रही जी है, बिल्कुल जी बिल्कुल आवाज आपकी आ रही है। हमारे दोस्तों ने कोई कमेंट्स में कहा है कि आप माशाल्लाह दफ के जरिए कोई नात पढ़ते हैं, आज हमें वो दफ के जरिए भी कोई कलाम सुनाएं। जी जी बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह करें जी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब जश्ने अहमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने अहमद तरफ जिक्र सल्ले आला हो गया,
बहुत खूबसूरत आवाज जी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने पढ़ा है कलाम जी, और हमारे जो हैं बहुत ज्यादा जो हमारे देखने वाले हैं उन्होंने पसंद किया है जी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब यासीन भट्टी साहब, जनाब आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक मोहम्मद अख्तर महमूद साहब आपको मुबारकबाद दे रहे हैं जी, बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक हैं, ठीक है जी। चौधरी तारक अली साहब जनाब आपको सलाम कह रहे हैं, माशाल्लाह प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं, जितने भी हमारे पास फीडबैक आ रहे हैं उसमें आपके नाम मौजूद है। जनाब चौधरी रहीम साहब कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जैसा कि आज का कलाम जो आपने पढ़ा है, मुझे थोड़ा सा जो है वो उसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के हवाले से एक कलाम याद आ गया, तो मैं उसको कोशिश करूंगा कि मैं उसके साथ पढूं। मेरे जो सुनाखवा हैं वो भी मेरे साथ जो है इस कलाम में मेरे साथ देंगे। वैसे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा सीरतुल नबी की किताबें भी लिखी गई हैं, लेकिन हर जो राइटर था उसने अपने अंदाज में डिफरेंट लिखा, लेकिन एक किताब का नाम है इस्लाम जो हफीज जलंधरी साहब ने लिखी हुई है, उसने उन्होंने अपनी शायरी में कमाल कर दिया है। आज मैं आपके सामने शाहनामा इस्लाम से नबी पाक सल्लम की पैदाइश के हवाले से जो उन्होंने एक नक्शा खींचा है वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मेरे साथ इस कलाम के पढ़ने में मेरे साथ जो है मेरा साथ देंगे मोहतरम जनाब मोहम्मद शफीक कादरी साहब। शफीक साहब मेरी आवाज आपको आ रही है जी? जी बिल्कुल शहजाद भाई आ रही है। चलें जी कलाम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं कि कायनात में हर तरफ सन्नाटा था, कुफ्र शिर्क की खजा की बहार थी, और जमीन से आसमान तक फजा जुल्मत और तारीकी में डूबी हुई थी, और ऐसे में इबलीस और उसके लश्कर का फाशियाना रस था, फजा में उनकी सरगोशियां और जमीन पर उनकी हुक्मरानियां थी, और कोई भी उनकी सरकोबी करने वाला नहीं था। इंसानियत शैतानियत के पांव तले रूंधी जा रही थी, गर्दशे अर्ज थम गई थी, गुलस्ताने अर्ज में कलियां खिलना भूल गई थी, परिंदे अब चहचाना भूल गए थे और अपने घोंसलों में सिमट के बह गए थे। तो तब आंखों में हकीकत तो क्या कोई इम्कानी हद तक भी रोशन सितारे मौजूद नहीं थे, चांद तारे मान पड़ चुके थे। कैसे में
आमना के लाल की आमद होती है। उस आना सुभान आमना अल्लाह। के लाल की आमद को हफीज जलंधरी साहब ने कैसे लिखा है, ये वही हफीज जलंधरी साहब हैं, उनका मुख्तसर तारीफ मैं करा देता हूँ, दामने वक्त में इस वक्त इजाजत नहीं है, जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा है। सुभान उन्होंने इस कलाम को जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश की खबर उनके दादा अब्दुल मुतलिब को मिलती है तो उसको वो कैसे देखते हैं, आइए देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। बहुत ही आसान अल्फाज में मैं कोशिश करूंगा कि सारा किस्सा जो है आपकी समातों और आपकी नाजरीन हमारे जो देख रहे हैं उन तक पहुंचे। लिखते थे अबू मुतलब के बेटे पोते और 10-12, फला फूला नजर आता था अपना खानदान सारा। कि थे अबू मुतलब के बेटे पोते 10-12, फला फूला नजर आता था अपना खानदान सारा। अगर चाह अबू लहब, हमजा, अब्बास और अबू तालिब सभी जिंदा थे, सभी जिंदा थे, अब्दुल्ला का गम था मगर गालिब। जवानी के दिनों में एक निराला ख्वाब देखा था, दरख्ते नस्ले हाशिम इस कदर शादाब देखा था। यह भी एक वाकया है कि उन्होंने क्या ख्वाब देखा था, इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करूंगा। कि जवानी के दिनों में एक निराला ख्वाब देखा था, दरख्ते नस्ले हाशिम इस कदर शादाब देखा था कि इसके साये में दोनों जहां मालूम होते थे, मकानों ला मकान दो टहनिया मालूम होते थे। वो अब्दुल्ला को इस ख्वाब की ताबीर समझते थे, वो अब्दुल्ला को इस ख्वाब की ताबीर समझते थे, इस रुख को किताबे नूर की तफसीर समझते थे। और जवानी में ही हो गया, जवानी में ही लेकिन हो गया जब इंतकाल उनका, जवानी में ही हो गया जब इंतकाल उनका, रहा बूरे पदर के कल में रंजो मलाल उनका। जवाना मर की फर्जंद से नाशाद रहते थे और बेचारी हामला बेवा बहू का रंज सहते थे। और तवाफे काबा करना सुबह का मामूल था उनका, तवाफे काबा करना सुबह का मामूल था उनका, और दुआ बन के जाहिर बदन उनका। और दुआ ये थी कि या रब नेमते मौलूद मिल जाए, बनू हाशम का मुरझाया हुआ गुलजार खिल जाए। दुआ ये थी कि या रब नेमते मौलूद मिल जाए, बनू हाशम का मुरझाया हुआ गुलजार खिल जाए। वो यूं ही एक दिन तवाफे काबा करते थे, फलक को देखते थे और आह सर्द भरते थे। और फिर अचानक सुबह की पहली किरण हस्ती हुई आई। वजह तखलीके कायनात की आमद की बात हो रही है, नाजरीन जरा सुनिएगा। अचानक सुबह की पहली किरण हस्ती हुई आई, मुबारक बात कह के ये खबर दादा को पहुंचाई कि रहमत ने तेरी सूखी हुई डाली हरी कर दी, तेरी बेवा बहू की गोद अपने नूर से भर दी, अपने नूर से भर दी, कि मिला है आमना को फजले बारी से यतीम ऐसा, नहीं है बहरे हस्ती में कोई दरे यतीम ऐसा। आमीना दे कर खुदा दे, कुल नजारे आ गए। आमीना दे कर खुदा दे, कुल नजारे आ गए। पहली आमद फिर मोहम्मद बन के प्यारे आ गए। आमीना दे कर खुदा दे, कुल नजारे आ गए। आमीना दे कर खुदा दे, कुल नजारे आ गए। उठा सरदार जुल्फ है नैन देवर, फजरती सोनी जबी। जुल्फ है बल नैन देवर, फजरती सोनी
सोनी जमी जुल्फ है तेवर पगती सोनी जबी नूरी 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 वेख चेरे नू नजारे आ गए आमिना दे कर खुदा दे कुल नजारे आ गए। उठा सरदार मक्का ये नवीदे जहां फिजा सुनकर। अब सरकार आलम सल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब को जब एक खबर मिली कि आमना के लाल की पैदाइश हो चुकी है, तो वो जब मक्का से निकले तो उसका नक्शा हफीज जलंधरी साहब ने कैसे खींचा है कि उठा सरदार मक्का ये नवीदे जहां फिजा सुनकर शुक्र अदाए शुक्र करके जल्द पहुंचा आमिना के घर। जनाब आमिना थी शोर महरूम के घर में, मुजस्माए सूरो शम्स की तफसीर थी भर में। वो नजर आती थी आज इस घर में आबादी ही आबादी, अंगूठा चूसता था इंसान का हादी और असीन आंखें थी। वो मंजर देखिएगा, वो जरा अपना अपने जहन में लेके आएगा कि असीन आंखें थी कि जिनसे कल्फतें मदहम होती थी, असीन आंखें थी कि जिनसे कल्फतें मदहम होती थी, फलक को कुछ सबक देती हुई मालूम होती। इस सूरत नूमे जान आखा इस सूरत नूमे जान आखा जान आखा के जाने जान आखा जान आखा के जाने जान आखा सच आखा ते रब दी में शान आखा सच आखा ते रब दी में शान आखा जिस शान शाना सब बनिया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह और सुबहान अल्लाह आज मला का सुबहान अल्लाह माँ आज मला का माँ आसना का माँ अकमला का माँ आसना का माँ अकमला का किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जाड़िया इस सूरत नू में जाना खां के जाने जान खां। असीन आंखें थी कि जिनसे कल्फते मदहम होती थी, फलक को कुछ सबक देती हुई मालूम होती थी। उठाया गोद में दादा ने आली कदर पोते को। वाह। उठाया गोद में दादा ने आली कदर पोते को, दिखाने ले चला हक का आली मकां पोते को। और शजर रस्ते में इस्तादा हुए ताजीम की खातर, शजर रस्ते में इस्तादा हुए ताजीम की खातर। ये इश्क के इम्तहान की बात हो रही है, ये इश्क वाले लोग ही समझ सकते हैं उन शजर को कैसे। ये इश्क के इम्तहान की बात हो रही है कि शजर रस्ते में इस्तादा हुए ताजीम की खातर, जड़े कदमों में बिछ गए तस्लीम की खातर। और नजर आज दुनिया को नजर में आज दुनिया कुछ नहीं मालूम होती थी, नजर में दुनिया आज कुछ नहीं मालूम होती थी कि हर सू जिंदगी ही जिंदगी मालूम होती थी। और तवाफ काबा करने जा रहा था किबला आलम,
तवाफे काबा करने जा रहा था किबला आलम के जिसकी जात से हक की बनाई गई हूँ महतम, वही काबा जो इब्राहिम के ईमान का घर था, कि जो इंसानों के हाथों हर बुत बेजान का घर था, कि गोया अब बलाएं ले रहा था गिर्द फिर फिर के, वो अल्लाह वहद कहते थे, वो अल्लाह वहद कहते थे बुत सजदे में गिर गिर के। काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाह अकबर काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाह अकबर देखूं तो देखे जाऊं बराबर अल्लाह अकबर देखे तो देखे देखूं तो देखे जाऊं बराबर अल्लाह अकबर काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाह अकबर। नाज़रीन वो मंजर जरा अपने जहनों में लेके आइएगा कि जब नबी पाक सल्लम ने काबे का तवाफ किया होगा तो उस वक्त क्या असरात होंगे, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहां से होके अबू मुतलिब फिल फोल घर को पलटे, खैर व बरकत की दुआएं मांग कर पलटे, अमानत आमना की आमना के भर में पहुंचा दी, अमानत आमना की आमना के भर में पहुंचा दी, गुलामों ने लोंडियों ने इस खुशी में पाई आजादी, और बिशारत के मुताबिक आमना ने नाम बतलाया। वाह, मुझे समझ नहीं आ रही कि हफीज जलंधरी साहब ने जब ये शेर लिखा होगा तो उनके जहन में क्या एक चीज चल रही होगी कि बिशारत के मुताबिक आमना ने नाम बतलाया, फरिश्तों ने बताया था कि अहमद है तेरा जाया, कहा बेटी कहा दादा ने कहा बेट कहा दादा ने बेटी मेरा पोता मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा दादा ने है बेटी मेरा पोता मुहम्मद है कि दुनिया भर में इंसानों से आला और अमजद है। मरहबा सल्ले अला दी हर तरफ ही गूंज रे हर तरफ ही गूंजे आज जाते बेकसाते अज सहारे आ गए आमिना ते कर खुदा कुल नजारे आ गए पहले आहमद फिर मोहम्मद पाके प्यारे आ गए आमीना दे कर खुदा दे कुल नजारे आ गए आमीना दे कर खुदा दे कुल नजारे आ गए और आका ने हाफिज जदों दे ता सहारा आण के डुबदे मरदे मरदे सब किनारे आ गए आमीना दे कर खुदा दे कुल नजारे आ गए।
बहुत शुक्रिया अशफीक कादरी साहब, मुझे जो इस कलाम में पढ़ने का मज़ा आया, उम्मीद है कि आपने जो मेरा साथ दिया वो ज़्यादा मज़ा आया होगा। हमारे साथ जो है बहुत ज़्यादा दोस्तों ने ज्वाइन कर लिया है कमेंट्स की सूरत में। वसीम अंजम साहब माशाल्लाह, अशफीक भाई आपको कह रहे हैं बहुत खूबसूरत कलाम आपने पढ़ा है जी। इमरान अली भट्ट साहब है हमारे दोस्त हैं जी, वो भी कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम। यासीन भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब नदीम राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद इकराम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद तैयब अली साहब मौजूद हैं, यासीन भट्टी साहब हैं, और इसके साथ साथ जो हैं सैयद सिब्बत हसन कालमी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, वो भी आपको माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ में आपने जो कलाम पढ़ा हुआ मेरा साथ दिया जी, बहुत शुक्रिया। हम दोबारा चलते हैं जी अपने दोस्तों की तरफ, दो भाई बैठे हुए हैं, हम फिर इनकी तरफ रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत खूबसूरत सा आवाज़ में कलाम सुनाए, क्योंकि आपके घर से भी फरमाइश आ रही है। जी बिलाल साहब, मुझे आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल जी, जी आप जरा अच्छा, कलाम सुनाए जी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह وسلم عليك يا حبيب الله ہم مدینہ پاک سے माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत आवाज। रह गई हम मुसीबत पे अपने जबी, रह गई दिल बगी, रह गया जामगी, रह गई हम मुसीबत जबी रह गई। याद आते गए गम को वो शाम ओ सहर, वो सुकून दिलो जान वो रो वो नज़र। याद आते गए गम को वो शाम ओ सहर, वो सुकून दिलो जान वो रो वो नज़र। ये उन्हीं का कर्म है, उन्हीं की जी वाह सुभान अल्लाह। ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता, एक कैफियत दिल सीर गई। अल्लाह जो दो कया,
वाजी वा सुभान अल्लाह इस जगह इज्जत मिली जिस जगह सजदारे की लज्जत मिली जिस जगह अगर कदम की रहमत मिली जिस जगह जिंदगानी अगर काहे होती बसर जिंदगानी बगी काश होती बसर काश बेगैजाद मते ना हम लौट करे काश बेजा दिल आते ना लौट करे और पूरी हुई हर तमन्ना मगर ये तमन्ना कल सीदर पे अपने जबी रह गई हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए कल्बे गैरा की तस की वही रह गई या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे आंखें जो मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे सुनने की कुव्वत जो तूने बख्शी है मेरे मौला सुनने की कुव्वत जो तूने बख्शी है मेरे मौला फिर मस्जिद नबी की वो अजान सुना दे। बहुत खूबसूरत कलाम आप दोनों ने पढ़ा जी और हमारे साथ जो हैं काफ़ी लोग जो फीडबैक में हमें जो देख रहे हैं राजा श्याम साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और आपने माशाल्लाह लिखा जी शेफ साजिदुर्रहमान कह रहे हैं माशाल्लाह जी प्रोग्राम को बहुत पसंद किया है जी उन्होंने चौधरी सरफराज साहब जनाब शफीक भाई के लिए आप ये कह रहे हैं जी कि बुलबुल पाक मदीने की जो है वो कलाम जो है अगर उसके कोई दो तीन शार हो जाए ये आपके लिए एक फरमाइश आ गई है जी। मोहम्मद सुफियान साहब आपने भी माशाल्लाह बहुत लिखा है जी प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी माशाल्लाह कहा है जी कुमार साहब को बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ें दोनों को बता रहे हैं जी। मोहम्मद शफीक साहब कह रहे हैं जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी और इंडोनेशिया से हमें सुन रहे हैं जनाब मोहम्मद इम्तियाज साहब जी इम्तियाज साहब बहुत शुक्रिया आप वहाँ से हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं आपकी हौसला अफजाई का आपके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। चौधरी सरफराज साहब हमें दुबई से सुन रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि हमें शफीक भाई को दोबारा कहा है कि वो कलाम सुना दें और आप दोनों भाइयों से भी एक फरमाइश की कहा गया कि दफ़ के साथ कसीदा बुर्दा शरीफ तो दो फरमाइशें मेरे पास आ गई हैं दामने वक्त में अगर इसकी गुंजाइश हुई तो मैं आप दोनों को कहूँगा। मेरे ख्याल में पहले हम कसीदा बुर्दा शरीफ सुन लेते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास वक्त की कितनी गुंजाइश है और शफी कादरी साहब के पास आएंगे। ये कुमार साहब कसीदा बुर्दा शरीफ
माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ और कसीदा बुर्दा शरीफ। आज वैसे भी जो है जुम्मत मुबारक का मुबारक दिन था, तो आपने सुनाई। वक्त जो है हमारे प्रोग्राम का जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। प्रोग्राम के इख्तिताम पे हमेशा में जो है
अजमत वालदेन के नाम से कलाम हमेशा अपने शायर आजाद को जो मेरे सना ख्वाए उनको कहता हूँ। आज जो कलाम है माँ की अजमत के हवाले से मैं शफीक कादरी साहब से दरख्वास्त करूँगा, आप हमें वो कलाम सुनाएं आज जब ये मेरे लिए साहब की वालदा का इंतकाल हो गया था तो उन्होंने अपने कलम से वो जो अल्फाज लिखे थे वो आप हमारे नाजरीन को सुनाएं। जी बिस्मिल्लाह करें। सड़ गए बूटे खुशियां वाले, सड़ गए बूटे खुशियां वाले, चुलियां हिजर हवावां, चुलियां हिजर हवावां, अद्धी राती उठ उठ पेवां, अद्धी राती उठ उठ पेवां, रो रो हाल बन जावां, माए रो रो हाल बन जावां, किस दे अगे दुखड़े फोला, किसनों में दर्द सुनावा, माए किसनों में दर्द सुनावा, मनसी कौन मेरे लई मनता, मनसी कौन मनता, करसी ये कौन तुमावा, माए करसी ये कौन तुमावा, कौन मेरा हुन मत्था चुमके, कैसी आरत पलावा, माए कैसी आरत पलावा, कौन खुले सी उठ के बुआ, कौन खुले सी उठ के बुआ, तक सी ये कौन रावा, कौन तक सी ये रावा, उजड़े उजाड़े हवेली दिसे सुंजियां ते सड़ थावा, सुंजियां ते सड़ थावा, सुंजियां ते सड़ थावा, जे तू अज भी कर मोड़ आवे, जे तू अज भी कर मोड़ आवे, दिल दी मैसेज विछावा, माए दिल दी मैसेज विछावा, सत बिस्मिल्ला आख के तेनू कदमी सीस निवावा, कदमी सीस निवावा, कदमी सीस निवावा, मावा मरन नसीर नाशादा, मावा मरन नसीर नाशादा, मावा ठंडियां छावा, मावा ठंडियां छावा, मावा ठंडियां छावा, बाप मरे सिर नंगा होंदा, वीर मदन कंड खादी, ओ मावा बाज मोहम्मद बख्शा, कौन करे रखवाली। और शहजाद भाई पैगाम है और आखिरी शेर है कि माँ ते प्यो ने दोवें यारो रब दा मिठा मेवा,
जिसने जन्नत जाना होवे ओ कर ले तवा दी सेवा। है जिसने जन्नत जाना होवे कर ले तवा दी सेवा। बहुत खूबसूरत आवाज, बहुत खूबसूरत कलाम। हमारे साथ जो है बहुत ज़्यादा दोस्त भी, कलाम ही ऐसा है कि इंसान इसमें अपने जज्बात को जो है वो काबू नहीं रख सकता। और स्पेशली जिनकी माएँ इस दुनिया में नहीं हैं, उनमें एक बात सी, मैं भी इंसान हूँ कि जिसकी माँ जो है इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। मेरे काफ़ी दोस्त यहाँ पर आपके साथ शामिल हो चुके हैं। सैयद सिब्बत हुसैन कादमी साहब, काजी साहब आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। दामने वक्त में अब गुंजाइश नहीं है कि इससे ज़्यादा कोई प्रोग्राम को पेश किया जाए। मैं तमाम सनाखवान का जो मेरे साथ आज प्रोग्राम में शरीक थे, जनाब मोहम्मद कमाल आशमी साहब, मोहम्मद बिलाल आशमी साहब, मोहम्मद शफीक कादरी साहब, आप तीनों सनाखवा का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मेरे प्रोग्राम में स्पेशली जिंदगी बेवर के लाइव पेज पर आके हमें इतना खूबसूरत कलाम सुनाया। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। और इसके साथ ही हमारे आज का प्रोग्राम का वक्त जो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले जुमे को फिर कुछ नए सनाखान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाते जाते एक ही पैगाम कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाइएगा, क्योंकि दिलों में खुदा बसता है। अपने मेज़बान शहजाद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।